वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों मैंने एक दो वीडियो पहले एक वीडियो बनाया था जहां पे मैंने बोला था कि एक बेस्ट फोन 10,000 रुपीस के अंडर पे आपको कौन सा मिल सकता है। तो आज का इस जो वीडियो है इसका तो टाइटल और थंबनेल आप लोग देख ले होंगे। इस पे आप बात करेंगे ऐसा एक फोन का जो 20,000 के अंडर पे आपको एक ज्यादा अच्छा वैल्यू प्रोवाइड करेगा। तो वीडियो को आगे देखते रहिए, उम्मीद करता हूं वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौमदीप नंदी, टेकमेंट के न्यू वीडियो पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों ये जो वीडियो है इसमें हम चार पांच फोन को इंक्लूड कर सकते हैं, बट मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, सीधा सीधा पॉइंट पे आ जाते। तो इधर मैं तीन फोन का नाम बता रहा हूँ, उस पर अगर उसका स्पेसिफिकेशन का थोड़ा कंपैरिजन करें तो उसके बाद जो फोन मेरे हिसाब से लेना सही होगा वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो पहली जो फोन आता है वो है Vivo Z1 Pro। ये जो Vivo Z1 Pro है इस पे आपको मिल जाता है 6.53 इंच का स्क्रीन, स्नैपड्रैगन 712 का प्रोसेसर, 16+8+2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, उसके साथ साथ आपको 6GB 64GB का स्टोरेज, 5000mAh का बैटरी और एंड्रॉइड 9 का सपोर्ट। और ये सारा चीज आपको मिलता है बस 14,990 रुपीज में। अब दोस्तों Vivo का जो नया फोन कुछ दिन पहले लॉन्च हुआ है जिसका नाम है Vivo S1, उसका अगर हम स्पेसिफिकेशन का बात करें तो उधर पे आपको मिलता है 6.38 इंच का स्क्रीन, मीडियाटेक का P65 का प्रोसेसर, 16+8+5 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, 4GB+128GB का स्टोरेज, उसके साथ साथ 4500mAh का बैटरी, एंड्रॉइड 9 का सपोर्ट। ये टोटल पैक आपको मिलता है 17,990 रुपीस पे। अब दोस्तों फाइनल जिस पे आते हैं वो है Realme X पे आपको मिलता है 6.53 इंच का स्क्रीन, स्नैपड्रैगन 710 का प्रोसेसर, 48+5 मेगापिक्सल का कैमरा, 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, 8GB 128GB का स्टोरेज, 3765mAh का बैटरी और एंड्रॉइड 9 का सपोर्ट। ये आपको मिलता है 19,499 रुपीस पे। तो दोस्तों आप लोग तो ये तीनों फोन का स्पेसिफिकेशन सुन लिए, अब बात है कि इसमें से कौन सा फोन आप लोगों को लेना चाहिए। दोस्तों एक बात आप लोगों को बता देता हूं कि अगर आप लोगों को फोटो खींचने का मन है, आप इधर उधर जाते हो तो सेल्फी खींचते हो, तो आप लोगों के लिए Vivo Z1 को बेस्ट है। बट अगर ओवरऑल हम बात करें तो आप लोग Realme X को ले सकते हो, वो काफी अच्छा वैल्यू आप लोगों को प्रोवाइड करेगा। बट मैं Vivo Z1 Pro को भी साइड में नहीं रखूंगा क्योंकि ये भी अच्छा वैल्यू आप लोगों को प्रोवाइड करता है, क्योंकि इसमें आपको बैटरी ज्यादा मिलता है, जहां पे आपको मिल रहा है 5000mAh का बैटरी, तो ये एक काफी अच्छा है। बट स्टोरेज थोड़ा कम मिलता है, बट आपको तो एक साथ सब कुछ नहीं मिलेगा, बट एक साथ अगर सब कुछ चाहिए तो आप Realme X को ले सकते हो। तो बस वीडियो के यही खत्म करते हैं, उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो। मैं आप लोगों के लिए ऐसे वीडियोस लेके आता रहूंगा। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन पे, स्क्रीन पे दिखाए गए इंस्टाग्राम आईडी पे मेरे को पिंग करके पूछ सकते हो। मैं हमेशा कोशिश करूंगा हर एक क्वेश्चन का जवाब देने का। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से रहना, ठीक से रहना।